हेलो एवरीवन, मैं समीश वारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, NIT पॉलिटेक्निक नागपुर। आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जो कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो कि सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। इस कोर्स में अपन अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसका नाम है IC इंजन एंड गैस टरबाइन, जो कि 14 मार्क्स के लिए MSBT 3 एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो और इस चैप्टर का जो कोर्स आउटकम है वो है चेक दी ब्रॉड बेस वर्किंग ऑफ डीजल इंजन एंड गैस टरबाइन। तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होने के बाद में आप डीजल इंजन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस इंजन की वर्किंग्स पता चलेंगी। दैन नेक्स्ट, आज का अपना टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू गैस टरबाइन। तो मैंने जैसा पहले बताया था कि ये जो चैप्टर ये दो पार्ट्स में, पहला पार्ट है IC इंजन और दूसरा पार्ट है अपना गैस टरबाइन। तो जो IC इंजन वाला पार्ट है वो अपन अभी तक के कंप्लीट कर रहे थे, पिछले वीडियो तक के अपन ने IC इंजन क्या होती है वो सारी चीज़ें देखे थे, डीजल इंजन की वर्किंग देखे थे। उसके बाद में IC इंजन में कौन से फॉल्ट्स आते हैं, उसको वो किस कारण से आते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, वो सारी चीज़ें अपन ने पिछले वीडियो तक के देखे थे। तो आज के वीडियो में अपन जो भी आज और इसके आगे वाले जो भी वीडियोज़ रहेंगे उसमें अपन पढ़ने वाले गैस टर्बाइन के बारे में। तो सबसे पहले अपन गैस टर्बाइन वगैरह क्या होती है वो आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो लर्निंग आउटकम ऑफ टुडेज लेक्चर, तो आज की वीडियो लेक्चर का क्या लर्निंग आउटकम है वो एक बार देख लेते हैं। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, लर्नर विल बी एबल टू एक्सप्लेन विथ स्केचेस वर्किंग ऑफ गिवन टाइप ऑफ गैस टरबाइन। आप वर्किंग बता पाओगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस टरबाइन विथ स्केच, उसका डायग्राम बना के उसके आप स्केच के साथ में गैस टरबाइन कैसे वर्क कराता है वो सारी चीज़ें आप आज के वीडियो के इसमें अपन देखने वाले हैं। देन नेक्स्ट, क्लासीफाई गैस टरबाइन। गैस टरबाइन को अपन बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर में क्लासीफाई करते हैं, जैसे अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ IC इंजन भी देखा था, बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर में अपन ने IC इंजन को क्लासीफाई किया था। उसी तरीके से अपना जो गैस टरबाइन है उसको भी अपन बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर में क्लासीफाई करते हैं। तो कौन से पॉइंट्स के ऊपर में गैस टरबाइन को क्लासीफाई किया जाता है वो अपन आज की वीडियो में देखने वाले। देन लास्टली अपन देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गैस टरबाइन, तो गैस टरबाइन कहाँ कहाँ यूज्ड होती है उसके एप्लीकेशन भी अपन लास्टली अपन देखने वाले हैं कि एप्लीकेशन ऑफ गैस टरबाइन कहाँ कहाँ यूज़ होती है ना, उसके बाद में अपन देखने वाले हैं। देन नेक्स्ट, PO एंड PSO मैपिंग देख लेते हैं आज के वीडियो से, कौन सा PO एंड PSO मैप होता है। तो सबसे पहले PO मैप जो होता है वो है प्रोग्राम आउटकम, PO इज नथिंग बट होता है प्रोग्राम आउटकम, एंड PSO होता है प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। तो आज के वीडियो से कौन सा PO मैप हो रहा है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला PO जो मैप हो रहा है वो है PO1, दैट इज़ बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज। तो बेसिक और डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज आपको आज के वीडियो से मिलने वाला है, इसलिए ये PO मैप हो रहा है। देन नेक्स्ट जो PO मैप हो रहा है वो है PO4, दैट इज़ इंजीनियरिंग टूल्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिसेस। देन लास्टली PO6, दैट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंड PO7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ये आज के वीडियो से आपके PO मैप होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, डेट इज गैस टरबाइन। तो गैस टरबाइन क्या होती है वो सबसे अपन पहले देख लेते हैं। तो गैस टरबाइन इज अ मशीन डिलीवरिंग मैकेनिकल पावर और थ्रस्ट। गैस टरबाइन क्या है, एक ऐसी मशीन है जो डिलीवर करती है मैकेनिकल पावर और थ्रस्ट। मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस होने के कारण से अपनी ये क्या होती है, टरबाइन चलती है, गैस टरबाइन चलती है, या फिर थ्रस्ट के कारण से। जैसा अपन ने IC इंजन में भी देखा था, IC इंजन में क्या होता था कि केमिकल एनर्जी रहती थी अपनी जो फ्यूल की, उसको अपन पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते थे और फिर वो हीट एनर्जी और फ्यूल कन्वर्ट होती थी मैकेनिकल वर्क में। उसी तरीके से गैस टरबाइन में भी सेम चीज़ होती है कि पहले जो गैस टरबाइन जो गैस टरबाइन में फ्यूल रहेगा उसको अपन पहले कन्वर्ट करेंगे कहीं में हीट एनर्जी में, और फिर वो मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस करता है, और वही जो फ्यूल रहेगा उसकी हीट एनर्जी को थ्रस्ट एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जाता है। तो गैस टरबाइन एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल पावर को डिलीवर करता है, एक ऐसी मशीन है जो मैकेनिकल पावर और थ्रस्ट को डिलीवर करती है, उस वाले इसको बोला जाता है गैस टरबाइन। इट डज दिस यूजिंग अ गैस सेस वर्किंग फ्लूइड। ये कैसे करते हैं मैकेनिकल पावर और थ्रस्ट की इस तरीके से प्रोड्यूस करती है गैस टरबाइन, यूजिंग अ गैसियस वर्किंग फ्लूइड। जो अपन ने फ्लूइड देखा था IC इंजन में, कौन सा फ्लूइड यूज़ करते थे, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, जैसा कि अपन ने पेट्रोल डीजल ये वगैरह अपन फ्यूल यूज़ करते थे कहीं में अपने IC इंजन में, जबकि अपना गैस टरबाइन जो रहेगा उसमें जो फ्लूइड यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है, गैसियस फॉर्म में। जो उसका स्टेट रहता है वो कौन से स्टेट में रहता है, गैसियस
स्टेट में रहता है अपना फ्लूइड। तो ये एक मेन डिफरेंस है आईसी इंजन और अपना काय के बीच में गैस टरबाइन के बाद में। तो इट डज दिस यूजिंग अ गैसेस वर्किंग फ्लूइड। तो इसमें जो भी वर्किंग फ्लूइड रहेगा अपने गैस टरबाइन में वो कौन से फॉर्म में रहेगा, गैसियस फॉर्म में रहेगा। और द मैकेनिकल पावर जनरेटेड, जो गैस टरबाइन में जो मैकेनिकल पावर जनरेट उनका कैन बी यूज बाय फॉर एग्जाम्पल एज इंडस्ट्रियल डिवाइस। और ये जो भी मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस होगा गैस टर्बाइन में वो एज अ इंडस्ट्रियल डिवाइस में वो मैकेनिकल पावर को अपन यूज करते हैं, जबकि आईसी इंजन में अपन वो ऑटोमोबाइल्स वगैरह को चलाने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि अपना गैस टर्बाइन का में यूज़ करते हैं अपन मैकेनिकल पावर यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल डिवाइस में। और इसमें कौन सा फ्लूइड यूज़ होता है, अपना गैसियस वर्किंग फ्लूइड होता है। इसमें जो भी फ्लूइड यूज़ होता है वो गैसियस के स्टेट में रहता है। देन द आउटगोइंग गैसियस फ्लूइड कैन बी यूज टू जनरेट थ्रस्ट। जो अपना आईसी इंजन था उसमें जो भी एग्जॉस्ट निकलता था, जो भी एग्जॉस्ट निकलता था वो किसी काम का नहीं था। अपना आईसी इंजन में जो भी एग्जॉस्ट निकलता था वो कुछ भी काम का नहीं था, वो वेस्ट था। जबकि जो गैस टरबाइन है उसमें जो भी अपना एग्जॉस्ट निकलेगा, आउटगोइंग गैसियस फ्लूइड जो निकलेगा, जो कि एग्जॉस्ट रहेगा, वो भी यूज़ किया जाता है टू जनरेट थ्रस्ट। जैसा कि मैंने बताया गैस टरबाइन में मैकेनिकल पावर और थ्रस्ट दोनों प्रोड्यूस करते हैं। तो थ्रस्ट किस कारण से प्रोड्यूस होता है, ये जो गैसियस फ्लूइड रहता है जब एग्जॉस्ट से जब बाहर निकलता तो उसको भेजा जाता है थ्रू नोजल, और वो नोजल के थ्रू भेजने के कारण से थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। वो नोजल के कारण भेजने के कारण से क्या करता है, थ्रस्ट को प्रोड्यूस करता है। तो इसमें अपन गैस टरबाइन में जो अपना एग्जॉस्ट रहता है वो एग्जॉस्ट को भी यूज़ करते हैं। तो एग्जॉस्ट काय के लिए यूज़ करते हैं अपन, द एग्जॉस्ट आउटगोइंग गैसेस फ्लूइड कैन बी यूज टू जनरेट थ्रस्ट के लिए। देन इन द गैस टरबाइन देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द वर्किंग फ्लूइड। आईसी इंजन में क्या होता था, चार स्ट्रोक में एक बार अपना वह फ्लूइड जाता था, वर्किंग फ्लूइड जाता था, मतलब पेट्रोल या डीजल यूज़ करते थे। जबकि गैस टरबाइन में अपन क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वर्किंग फ्लूइड। गैस टरबाइन में जो फ्लूइड रहता है वो कंटिन्यूअसली फ्लो करते रहता है। तो ये एक मेन डिफरेंस है इसके बीच में का, आईसी इंजन और गैस टरबाइन के बीच में का, कि गैस टरबाइन में जो भी अपन फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहता है, वर्किंग फ्लूइड जो रहता है वो कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहता है अपने काय में गैस टरबाइन के अंदर में, मतलब अपना कंटिन्यू फ्लो होना अपना गैस टरबाइन का। द गैस टरबाइन रिप्रेजेंट द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री वे ऑफ प्रोड्यूसिंग वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ पावर इन अ सेल्फ कंटेन एंड कॉम्पैक्ट यूनिट। मतलब जो गैस टरबाइन जो पावर प्रोड्यूस करती है वो बहुत ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है, एज कम्पेयर टू आईसी इंजन। जो गैस टरबाइन में पावर प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होता है, कई में गैस टरबाइन में जो भी पावर प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होता है एज़ कम्पेयर टू आईसी इंजन। अगर आईसी जितने साइज का आईसी इंजन रहेगा वो जितना पावर प्रोड्यूस करेगा उससे ज़्यादा पावर क्या होगा, वही सेम साइज़ का गैस टरबाइन प्रोड्यूस करता है। इसलिए इसका गैस टरबाइन का जो साइज़ रहता है वो कॉम्पैक्ट यूनिट रहता है, मतलब उसका साइज स्मॉल साइज रहता है। देन लार्ज गैस टरबाइन इज यूज इन एविएशन एंड मरीन फील्ड। तो ये जो गैस टरबाइन यूज़ होता है वो मैक्सिमम एविएशन इंडस्ट्री में यूज़ होता है। एविएशन बोले तो एरोप्लेन्स, रॉकेट, जेट्स वगैरह में गैस टरबाइन मैक्सिमम यूज़ होती है। तो गैस टरबाइन यूज इन एविएशन एंड मरीन फील्ड, जो अपना मरीन फील्ड्स है वहाँ पर भी अपना एविएशन या मरीन फील्ड में यूज़ होती है। बिकॉज इट इज़ सेल्फ कंटेंट यूज होता है, ये क्या है, सेल्फ कंटेंट है, लाइट वेट है, नॉट रिक्वायरिंग कूलिंग वाटर एंड जनरली फिट इन टू द ओवरऑल शेप ऑफ द स्ट्रक्चर। ये किस कारण से अपन एविएशन इंडस्ट्री और मरीन फील्ड में यूज होते हैं, क्योंकि इसका जो गैस टरबाइन का जो वेट रहता है वो कम रहता है, उसके बाद में इसमें कूलिंग की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। जबकि आईसी इंजन में अपने को क्या करना पड़ता है, कूल करते रहना पड़ता है, अगर उसको अपन कूल नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाता है, उसको ब्लॉकेज हो जाता है पिस्टन वगैरह का, जबकि गैस टरबाइन में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें जो कूलिंग वगैरह नहीं करना पड़ता इसलिए भी अपन इसको यूज़ करते हैं एविएशन और जनरली फिट इनटू द ओवरऑल शेप ऑफ द स्ट्रक्चर। और ये जो अपना एविएशन और मरीन फील्ड का जो स्ट्रक्चर रहता है उसके अंदर में फिट हो जाता है, इसलिए गैस टरबाइन को अपन क्या में यूज़ करते हैं, मरीन और एविएशन इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। तो ये कुछ बेसिक अपन ने देखे डिफरेंस के टाइप में देखे आईसी इंजन और गैस टरबाइन के बीच में किस तरीके से डिफरेंस रहता है वो चीज़ अपन ने देखे। तो ये था अपना इंट्रोडक्शन टू गैस टरबाइन। एंड नेक्स्ट देखते हैं गैस टरबाइन वर्किंग प्रिंसिपल, गैस टरबाइन कैसे काम करता है। तो एयर इज कॉम्प्रेस्ड टू हाई प्रेशर बाय अ कॉम्प्रेसर। तो गैस टरबाइन में क्या होता है, सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर की एयर है उसको कॉम्प्रेस्ड किया जाता है टू हाई प्रेशर।
तो एटमॉस्फेयर की जो भी एयर है गैस टरबाइन में, सबसे पहले क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर की एयर है उसको अपन कंप्रेस करते हैं टू हाई प्रेशर, और वो कंप्रेस करने के लिए एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको बोला जाता है कंप्रेसर, जिसको बोल जाते हैं कंप्रेसर। और गैस टरबाइन में जो कंप्रेसर यूज़ होता है वो मैक्सिमम डायनामिक टाइप का कंप्रेसर यूज होता है। जब अपन एयर कंप्रेसर का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा कि डायनामिक कंप्रेसर वगैरह क्या होता है। तो सिर्फ आप इतना याद रखो कि गैस टरबाइन में जो मैक्सिमम कंप्रेसर यूज़ होता है वो डायनामिक टाइप का कंप्रेसर यूज़ होता है। एक तो एक्चुअल कंप्रेसर यूज़ होगा या फिर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज़ होगा। तो जो एयर कंप्रेसर यूज़ करते हैं अपन गैस टरबाइन के अंदर में वो डायनामिक टाइप का रहता है, और ये क्या करता है, जो भी अपने एटमॉस्फेयर की एयर है उसको कंप्रेस करता है टू हाई प्रेशर। तो सबसे पहले गैस टरबाइन में क्या होता है, एयर को कंप्रेस किया जाता है टू हाई प्रेशर बाय यूजिंग कंप्रेसर। कंप्रेसर के अंदर में अपन एटमॉस्फेयर की एयर डालते हैं, उसको हाई प्रेशर के ऊपर में कंप्रेस करते हैं। देन फ्यूल एंड कंप्रेस्ड एयर आर मिक्स्ड इन अ कंबशन चेंबर एंड इग्नाइटेड। फिर क्या होता है कि एक कंबशन चेंबर रहता है, उसमें ये जो कंप्रेस्ड एयर है, जो कंप्रेसर में अपन ने एयर को कंप्रेस किए, वो कंप्रेस्ड एयर और फ्यूल को मिक्स्ड किया जाता है और उसको जलाया जाता है काय के अंदर में, एक कंबशन चेंबर के अंदर में। तो कंबशन चेंबर के अंदर में क्या होता है कि ये जो कंप्रेस्ड एयर है, ये कंप्रेस्ड एयर और अपना फ्यूल, दोनों चीज़ें क्या होती है, मिक्स्ड होती है। दोनों चीज़ों को अपन क्या करते हैं, मिक्स करते हैं कंबशन चेंबर के अंदर में, और उसके बाद में उसको इग्नाइट करते हैं। इग्नाइट करते हैं मतलब उसको अपन जलाते हैं। तो पहला कंप्रेस्ड होगा, फिर उसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं कंबशन चेंबर में और उसको जलाते हैं। हॉट गैसेस आर गिवन ऑफ, वी स्पिन द टर्बाइन व्हील। उसके बाद में क्या होता है, ये जो कंप्रेस्ड कंबशन चेंबर में अपन ने कंप्रेस्ड एयर और फ्यूल को जो इग्नाइट किए, उसके कारण से क्या जनरेट होती है, हॉट गैसेज जनरेट होती है। उसके कारण से क्या जनरेट होती है, हॉट गैसेज जनरेट होती है। और वो जो हॉट गैसेज रहती है वो क्या करती है, जो टरबाइन का व्हील्स रहता है उसको घुमाने का काम करता है। उसको क्या करता है, उसको घुमाने का काम करता है। मतलब जो भी व्हील है अपना टरबाइन्स के, जो व्हील है उसके ऊपर में अपन क्या करते हैं, ये हॉट गैसेस को भेजते हैं, और हॉट गैसेस को भेजने के कारण से वो टरबाइन व्हील क्या होता है, अपना रोटेट होना चालू होता है। वो टरबाइन व्हील क्या होता है, रोटेट होना चालू होता है। तो सबसे पहले कंप्रेस करते हैं, फिर उसको मिक्स करते हैं फ्यूल के साथ में, उसको जलाते हैं, फिर जलाने के कारण से जो हॉट गैसेज बनी वो हॉट गैसेज को अपन टर्बाइन के व्हील के ऊपर में स्ट्राइक करते हैं, और टर्बाइन के व्हील के ऊपर में स्ट्राइक करने के कारण से वो क्या हो जाता है, घूमना चालू होता है टर्बाइन का व्हील। यूजेस फ्यूल सच एज ऑयल, नेचुरल गैस एंड पर्वलाइज्ड कोल। तो इसमें जो अपन फ्यूल जो यूज़ करते हैं, ज़्यादातर ऑयल को यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस या पर्वलाइज्ड कोल। पर्वलाइज्ड कोल इज़ नथिंग बट पाउडर फॉर्म में जो कोल रहता है, जो बहुत ही ज़्यादा पाउडर फॉर्म में जो कोल रहता है, उस वाले कोल को यूज़ करते हैं अपन एज अ फ्यूल, या फिर ऑयल को यूज़ करते हैं, या फिर नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं अपन क्या के अंदर में, गैस टर्बाइन के अंदर में। क्लियर है। देन गैस टरबाइन है थ्री मेन पार्ट। अभी ये जो सारी चीज़ें करने के लिए, एयर को कंप्रेस करना है, उसके बाद में उसको मिक्स करना है, फिर उसको उसके बाद में उसको रोटेट करवाना है, ये सारी चीज़ें के लिए गैस टरबाइन के जो कंपोनेंट रहते हैं वो थ्री मेन पार्ट्स रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, पर सबसे मेन तीन पार्ट्स रहते हैं गैस टरबाइन के अंदर में। तो वो देखते हैं अपन कौन से रहते हैं। तो सबसे पहला जो मेन पार्ट है गैस टरबाइन के अंदर है, वो है कंप्रेसर। अगर कंप्रेसर नहीं रहेगा तो गैस टरबाइन काम ही नहीं करेगा, क्योंकि अपने को जो गैस टरबाइन में जो एयर लगती है वो कंप्रेस्ड एयर लगती है, और एयर को कंप्रेस करने के लिए अपन जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है एयर कंप्रेसर। तो सबसे मेन पार्ट जो है गैस टरबाइन का वो है एयर कंप्रेसर। दैन कंबशन चेंबर। कंबशन चेंबर इसलिए लगता है ताकि अपना जो भी एयर है, एयर एयर जो कंप्रेस्ड एयर है और वो फ्यूल, उसको अपन मिक्स कर सके और उसको अपन वो गैसेस को क्या कर सके, जला सके। इसलिए दूसरा चीज़ जो लगता है वो लगती है अपने को कंबशन चेंबर। तो सबसे पहला जो रखता है वो रहता है एयर कंप्रेसर, दूसरा लगता है अपने को कंबशन चेंबर। दैन थर्ड जो मेन कंपोनेंट है वो है टर्बाइन। तो थर्ड मेन कंपोनेंट जो है वो क्या है, टर्बाइन। क्योंकि टर्बाइन किस लिए लग रहा है, जब तक कि अपने पास में टर्बाइन नहीं रहेगी तब तक के अपना वो शाफ्ट रोटेट नहीं होगा। शाफ्ट रोटेट नहीं होगा तो अपना मैकेनिकल पावर जो प्रोड्यूस करना है अपने को गैस टरबाइन के अंदर में, वो मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसलिए जो गैस टरबाइन है उसमें तीन मेन कंपोनेंट रहते हैं। सबसे पहला रहता है एयर कंप्रेसर, दूसरा रहता है कंबशन चेंबर, और तीसरा रहता है टरबाइन। एयर कंप्रेसर कंप्रेस करता है एयर को, टरबाइन क्या करता है कंबशन चेंबर में, वो कंप्रेस्ड एयर और फ्यूल को अपन मिक्स करते हैं और उसको इग्नाइट करते हैं, और वो जो हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती है वो हॉट गैसेस अपन टरबाइन में भेजते हैं। तो उसके कारण से अपने टरबाइन की ब्लेड्स क्या होती है, रोटेट होती है, और टरबाइन की ब्लेड रोटेट होने के कारण से जिस इसके ऊपर में लगा हुआ रहता है वो शाफ्ट के ऊपर में, वो शाफ्ट भी रोटेट होता है, उसके कारण से अपना प्रोड्यूस होता है मैकेनिकल पावर। क्लियर है। तो
तो ये है अपना वर्किंग प्रिंसिपल, इस तरीके से अपना गैस टरबाइन काम करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ गैस टरबाइन। अभी गैस टरबाइन की वर्किंग देखने के पहले अपन देख लेते हैं कि गैस टरबाइन कितने टाइप की होती है। तो गैस टरबाइन को बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर में क्लासिफाई किया जाता है। तो अपन देखते हैं एक एक पॉइंट कि कौन से पॉइंट्स के ऊपर में अपन गैस टरबाइन को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ कम्बशन प्रोसेस, ऑन द बेसिस ऑफ कम्बशन प्रोसेस मतलब जो अपन कम्बशन चेम्बर जो है उसके अंदर में जो कम्बशन हो रहा है एयर का और फ्यूल का वो किस तरीके से होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कम्बशन प्रोसेस वो किस तरीके से होता है उसके बेसिस के ऊपर में अपन गैस टरबाइन को क्लासीफाई करते हैं। तो उसके बेसिस में सबसे पहला जो रहता है उसको बोला जाता है कंटिन्यूस कम्बशन और कॉन्स्टेंट प्रेशर प्राइस। कौन सा बोलते हैं? कंटिन्यूस कम्बशन मतलब इसमें जो अपना कम्बशन प्रोसेस होगा, जो फ्यूल का जलना रहेगा वो कंटिन्यूसली चलते रहेगा और वो कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर में होता है, इसलिए उस टाइप के गैस टरबाइन को बोलते हैं अपन कंटिन्यूस कम्बशन और कॉन्स्टेंट प्रेशर टाइप की गैस टरबाइन, जिसमें कंटिन्यूसली कम्बशन चलता रहता है मतलब फ्यूल कंटिन्यूसली अपन सप्लाई करते रहते हैं और कंटिन्यूसली वो फ्यूल क्या होता है जलते रहता है। तो उस और वो जो जलते रहता है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर में जलते रहता है, इसलिए उस वाले टाइप के गैस टरबाइन को बोलते हैं कंटिन्यूस कम्बशन गैस टरबाइन। और वो जो साइकिल के ऊपर में काम करता है उसको ब्रेटॉन साइकिल बोलते हैं, ब्रेटॉन साइकिल का ही दूसरा नाम है जूल साइकिल। तो कंटिन्यूस कम्बशन और कॉन्स्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन जो काम करता है वो काम करता है ब्रेटॉन साइकिल और जूल साइकिल के ऊपर में। तो यह हो गई अपनी सबसे पहले टाइप अकॉर्डिंग टू कम्बशन प्रोसेस के ऊपर से। दूसरी है एक्सप्लोजन और कांस्टेंट वॉल्यूम टाइप। एक्सप्लोजन और कांस्टेंट वॉल्यूम टाइप मतलब क्या है कि इसमें अब पहला फ्यूल आएगा, जैसे आईसी इंजन में होता था, फ्यूल आता था जलता था फिर वो पूरी प्रोसेस होती थी मतलब एग्जॉस्ट में निकल जाता था, फिर से थोड़ी देर के बाद में फ्यूल आता था, मतलब इसमें क्या हो रहा है रुक रुक के फ्यूल आ रहा है, इसमें कंटिन्यूसली नहीं आ रहा है, इसमें रुक रुक के आ रहा है, रुक आ रहा है फ्यूल जला रहा है, इग्निशन एक्सप्लोजन हो रहा है, वो प्रोसेस हो रही है, फिर से थोड़ी देर के बाद में फ्यूल आ रहा है। और ये जो होता है वो होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टाइप के ऊपर में, और ये जो इसके ऊपर में काम करता है उस वाले साइकिल को बोलते हैं एटिक्सन साइकिल। कौन सी साइकिल बोलते हैं? एटिक्सन साइकिल। तो ऑन द बेसिस ऑफ कम्बशन ऑफ प्रोसेस के ऊपर में दो टाइप के अपने गैस टरबाइन होती है, एक होती है कंटिन्यूस और दूसरी होती है एक्सप्लोजन टाइप। तो कंटिन्यूस जो रहती है उसका नाम है कॉन्स्टेंट प्रेशर और एक्सप्लोजन वाला का है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है? देन नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साइकिल ऑफ ऑपरेशन। तो ये साइकिल ऑफ ऑपरेशन किस तरीके से अपना काम करता है उसके बेसिस के ऊपर में भी अपन क्या करते हैं गैस टरबाइन को क्लासिफाई करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइकिल ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से पहली वाली जो है वो ओपन साइकिल गैस टरबाइन। ओपन साइकिल गैस टरबाइन ये जैसा कि अपना आईसी इंजन रहता है उस तरीके की रहती है, मतलब एक बार फ्यूल डालो वो फ्यूल जलेगा, जलने के बाद में वो अपना काम करेगा, पावर प्रोड्यूस किया और उसको अपन ने एग्जॉस्ट कर दिए काय में एटमोसफियर के अंदर में एग्जॉस्ट कर दिया। मतलब हर बार ओपन साइकिल में नया फ्यूल यूज़ करना पड़ता है अपने को, ओपन साइकिल पे क्या करना पड़ता है हर बार नया फ्यूल यूज़ करना पड़ता है मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस करने के लिए। तो उस टाइप के गैस टरबाइन को बोलते हैं ओपन साइकिल, जिसमें हर बार अपने को क्या करना पड़ता है कि नया फ्यूल जो यूज़ करना पड़ता है उस वाले इसको बोलते हैं ओपन साइकिल गैस टरबाइन। और एक होता है क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। तो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में जो अपन फ्यूल है उसको अपन रीयूज करते हैं, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन जो रहती है उसमें अपन जो फ्यूल रहता है उसको रीयूज करते हैं, और ओपन साइकिल गैस टरबाइन में अपन ने एक बार यूज़ किए तो उसको रीयूज नहीं करते, तो उस वाले इसको बोला जाता है ओपन साइकिल, और जिसमें फ्यूल को अपन रीयूज करते हैं उसको बोला जाता है क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। क्लियर है? देन नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। तो जो अपना हॉट गैसेस अपन ने जो प्रोड्यूस किए उसके बाद में वो कैसा एक्शन के हिसाब से अपना मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब टरबाइन कौन से टाइप की अपन टरबाइन है उसमें, उसके बेसिस के ऊपर में अपन क्या करते हैं गैस टरबाइन को क्लासिफाई करते हैं। तो उसमें सबसे पहला रहता है अपना इंपल्स टरबाइन। इंपल्स टरबाइन कैसे काम करती है अपन चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, इंपल्स टरबाइन किस तरीके से काम करती है वो अपन चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुका है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ गैसेस और ऑन द बेसिस ऑफ टरबाइन टाइप के हिसाब से दो टाइप की होती है, एक होती है अपनी इंपल्स टरबाइन और दूसरी होती है इंपल्स रिएक्शन टरबाइन। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन के हिसाब से दो टाइप की होती है, एक इंपल्स टरबाइन और दूसरी होती है इंपल्स रिएक्शन टरबाइन। देन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जो हॉट गैसेस जो फ्लो हो रही है अपनी
टरबाइन के अंदर में जो अपन हॉट गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं कंबशन चैम्बर में, वो हॉट गैसेस किस तरीके से फ्लो हो रही है टरबाइन के अंदर में, उसके बेसिस के हिसाब से भी अपन गैस टरबाइन को क्लासीफाई करते हैं। तो उसके बेसिस के ऊपर से दो होते हैं, एक होते हैं एक्सियल फ्लो और एक होती है रेडियल फ्लो। तो अगर जिसमें एक्सियल फ्लो कंप्रेसर यूज़ हुआ उस वाले इसमें एक्सियल फ्लो रहेगा अपना, एक्सियल फ्लो टाइप की ये रहेंगी, और एक रहती है रेडियल जिसमें अपन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज़ करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो के हिसाब से दो टाइप की गैस टरबाइन होती है, एक होती है एक्सियल फ्लो और एक होती है रेडियल फ्लो। देन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल कौन सा अपन फ्यूल यूज़ कर रहे हैं गैस टरबाइन के अंदर में, उसके हिसाब से भी अपन क्या करते हैं गैस टरबाइन को क्लासीफाई करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल्स के हिसाब से अपनी जो गैस टरबाइन होती है वो एक रहती है कोल, अपन फ्यूल अगर यूज़ किए तो एक कोल के ऊपर में जो गैस टरबाइन चलती है वो रहती है कोल। देन एक रहती है गैस, जो गैसेस गैस यूज़ करते हैं जिसमें अपन एज ए फ्यूल, तो वो रहती है अपनी गैस वाली। देन एक रहती है ब्लास्ट फर्नेस गैस, तो जो अपना इंडस्ट्री में जहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट फर्नेस यूज़ होते हैं तो वहाँ पर अपन गैस टरबाइन यूज़ करते हैं, तो उस वाले इसको बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस में जो गैस प्रोड्यूस करते हैं उसके कारण से। देन नेक्स्ट रहती है डीजल, जिसमें अपन डीजल यूज़ करें उस टाइप के एक गैस टरबाइन रहती है डीजल वाली। देन एक रहती है पैराफिन वाली, जिसमें अपन पैराफिन को यूज़ करते हैं ऐसे फ्यूल, और एक रहती है ऑयल एंड पल्वराइज कोल, जिसमें अपन ऑयल और पल्वराइज कोल दोनों को यूज़ करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल 6 टाइप के गैस टरबाइन होती है। देन नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के हिसाब से कहाँ कहाँ गैस टरबाइन यूज़ हो सकती है। तो सबसे पहला है एरो गैस टरबाइन, एरो गैस टरबाइन बोले तो जिसमें एरोप्लेन्स वगैरह एविएशन इंडस्ट्री जहाँ पे यूज़ होती है उसको बोला जाता है एरो गैस टरबाइन। एविएशन इंडस्ट्री में जो गैस टरबाइन यूज़ होती है उस वाले गैस टरबाइन को बोला जाता है एरो गैस टरबाइन, जिसमें रॉकेट्स हो गए या फिर एरोप्लेन्स हो गए, इसमें जो भी अपनी गैस टरबाइन यूज़ होती है उसको बोला जाता है एरो गैस टरबाइन। देन ऑक्सिलरी गैस टरबाइन, ऑक्सिलरी गैस टरबाइन ये यूज़ होती है मैक्सिमम बड़े बड़े जगहों पर जहाँ पर गैस टरबाइन एज अ ऑक्सिलरी काम करती है, मतलब एक मेन गैस टरबाइन मेन टरबाइन रहती है उसको सपोर्टिंग करने के लिए जहाँ पर अपन गैस टरबाइन यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी गैस टरबाइन। देन एक रहती है इंडस्ट्रियल गैस टरबाइन, जो इंडस्ट्रीज़ में जो गैस टरबाइन यूज़ होती है उस वाले गैस टरबाइन को बोला जाता है इंडस्ट्रियल गैस टरबाइन, जहाँ पर भी इंडस्ट्रियल वर्क है वहाँ पर जो गैस टरबाइन यूज़ होती है उसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल गैस टरबाइन। और एक लास्टली होती है आर्मेचर गैस टरबाइन, तो जो स्मॉल साइज़ की गैस टरबाइन जो यूज़ होती है उस वाले गैस टरबाइन को बोला जाता है आर्मेचर गैस टरबाइन। तो ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन 4 टाइप की गैस टरबाइन यूज़ होती है, एक एरो गैस टरबाइन, एक ऑक्सिलरी, एक इंडस्ट्रियल और एक आर्मेचर गैस टरबाइन। क्लियर है। देन गैस टरबाइन एप्लीकेशन, अभी देखते हैं अपन गैस टरबाइन कहाँ कहाँ अप्लाइड होती है, कहाँ कहाँ यूज होती है गैस टरबाइन। तो सबसे पहले तो यूज़ होती है गैस टरबाइन टर्बोजेट इंजन में, जहाँ पे भी टर्बोजेट इंजिन वगैरह रहती है वहाँ पर यूज़ होती है अपनी गैस टरबाइन, टर्बोजेट इंजिन में यूज़ होती है। देन नेक्स्ट यूज़ होती है मरीन फील्ड में, ये भी बताया मैंने, जो मरीन इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर भी अपन क्या करते हैं गैस टरबाइन को यूज़ करते हैं, तो एक टर्बोजेट इंजिन में यूज़ होती है। देन नेक्स्ट यूज़ होती है मरीन फील्ड्स में। देन सुपर चार्जिंग, जहाँ पर भी कई जगह पे सुपर चार्जिंग करने के लिए भी अपन गैस टरबाइन का यूज़ करते हैं, जो अपना आईसी इंजन वगैरह का अगर अपने को सुपर चार्जिंग करना है तो वहाँ पर भी अपन गैस टरबाइन को यूज़ करते हैं सुपर चार्जिंग करने के लिए। देन रेलवे इंजिन्स में यूज़ होती है, बहुत सारे रेलवे इंजिन्स में भी अपनी क्या होती है गैस टरबाइन यूज़ होती है। देन नेक्स्ट पावर जनरेशन, अगर अपने को कहीं पे पावर जनरेट करना है पावर जनरेशन के लिए भी अपन गैस टरबाइन का यूज़ करते हैं, टर्बोजेट इंजन, मरीन फील्ड, उसके बाद में सुपर चार्जिंग, रेलवे इंजन और पावर जनरेशन के लिए भी अपन गैस टरबाइन को यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोसेस, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी अपन गैस टरबाइन को यूज़ करते हैं। तो लेटेस्ट समराइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे, आज अपन ने क्या पढ़े एक बार समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखे क्लासीफाई एंड एक्सप्लेन गैस टरबाइन, गैस टरबाइन का अपन ने क्लासिफिकेशन देखे, बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर में अपन ने क्या किए गैस टरबाइन को क्लासीफाई किए और वो किस तरीके से काम करती है, गैस टरबाइन का वर्किंग प्रिंसिपल भी अपन ने देखे गैस टरबाइन का और उसको क्लासीफाई भी किया। उसके बाद में अपन ने देखे एप्लीकेशन ऑफ गैस टरबाइन किस तरीके से कौन से एप्लीकेशन होते हैं गैस टरबाइन के, वो भी चीज़ अपन ने आज की वीडियो में देखे है। देन नेक्स्ट पीओ एंड पीओसो मैपिंग, तो आज के वीडियो में कौन सा पीओ मैप हो रहा था, सबसे पहले अपना पीओ 1 मैप हो रहा था, दैट इज बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज। देन पीओ 4 इंजीनियरिंग टूल्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिसेस, दैट पीओ 6 मैप हो रहा, दैट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग।
सॉरी पी ओ 6 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड लास्टली पी ओ 7 मैपोरा डेट इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ये पी ओ आज के अपने वीडियोस से मैप्ड हो रहे थे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है आज के वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ने वाले वर्किंग ऑफ ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन किस तरीके से काम करते हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।